स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट्स ऑफ रिस्ट। रिस्ट जॉइंट का स्ट्रक्चर और मूवमेंट्स हम दोनों ही इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो रिस्ट जॉइंट बेसिकली हमारा इधर दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, एक होता है रेडियो कार्पल और दूसरा होता है इंटर कार्पल। अब रेडियो कार्पल, रेडियो यानी यहाँ से मुराद है रेडियस बोन और कार्पल से मुराद यहाँ पे हमारी हैंड की कार्पल बोन। मैंने रफ सी डायग्राम बनाई हुई है। अब जो हमारी रेडियस बोन होती है ये हमारे पास हमारी तीन बोन्स के साथ ना हैंड की जॉइंट बना रही होती है, कार्पल, स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्रैक्यूट्रल, ये रेडियो इसके साथ, इसको कहते हैं हम क्या, रेडियो कार्पल। अब ये जो कार्पल बोन्स है ना ये आपस में भी कनेक्ट होती हैं, इनका आपस में भी जॉइंट बना होता है जिसको कहते हैं इंटर यानी बिटवीन कार्पल। कार्पल के बिटवीन जो जॉइंट होता है ना उसको हम कहते हैं इंटर कार्पल जॉइंट, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकुलर डिस्क। अब यहाँ पे एक डिस्क पड़ी होती है जिसको कहा जाता है आर्टिकुलर डिस्क। आपको उसका फंक्शन तो पता ही होगा, आर्टिकुलर डिस्क का जनरल सा फंक्शन होता है कि शॉक अब्जॉर्बिंग होती है वहाँ पे मूवमेंट के अंदर जो होती है वो फ्रिक्शन को अब्जॉर्ब कर रही होती है, इस तरह का इसके काम होते हैं डिस्क, आर्टिकुलर डिस्क के। अब एक कॉमन आर्टिकुलर डिस्क होती है यहाँ पे जो कि हमारे पास होती है रेडियो कार्पल जॉइंट के दरमियान, इसके साथ साथ जो डिस्टल रेडियस का और अल्ना का जॉइंट होता है ना इन दोनों की ना कॉमन ये होती है, क्या होती है, कॉमन होती है बिटवीन रेडियो कार्पल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट के दरमियान में। अब अगर हम बात करें कैप्स्यूल की तो कैप्स्यूल दोनों का होता है अलग। अब इसमें जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास आता है वोलर रेडियो कार्पल, डॉर्सल रेडियो कार्पल और हमारे पास रेडियल कोलेट्रल और अल्नर कोलेट्रल। ये लिगामेंट्स, सॉरी, ये हमारे पास हाँ लिगामेंट्स होते हैं जिन्होंने मिलके जो है रेडियो कार्पल जॉइंट का जो होता है ना वो कैप्स्यूल बनाया हुआ होता है। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है रेटिनैकुला। अब ये रेटिनैकुला क्या होता है, बेसिकली जो यहाँ पे फेशिया होता है ना जिसने रिस्ट जॉइंट को कवर किया होता है, ठीक है, फेशिया जिसने ये जो है वो कवर किया होता है, अब वो ना मिल के ना बैंड से बना देते हैं, क्या बना देता है, बैंड्स। अब उन बैंड्स को जो नाम दिया जाता है फाइब्रस बैंड्स होते हैं उसको कहा जाता है रेटिनैकुला। अब ये रेटिनैकुला जो होता है हमारे रिस्ट के पार्मर साइड पे भी और हमारे रिस्ट के डोर्सल साइड पे भी, जो हमारे रिस्ट के पार्मल साइड पे होता है ऐसे करके इसकी शीट होती है वो होता है फ्लेक्सर रेटिनैकुलम, और इसी तरह जो डोर्सल साइड पे क्योंकि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है तो इधर जो होता है वो होता है एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। अब जो फ्लेक्सर रेटिनैकुलम होता है यहाँ से बहुत से नर्व्स गुजर रहे होते हैं, ब्लड वेसल्स गुजर रहे होते हैं, टेंडन्स को भी इसने प्रोटेक्ट किया होता है, एज इट इज़ जो होता है एक्सटेंसर जो होता है ना ये भी टेंडन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, पैसेज बनाया होता है इन्होंने। तो ये तो था सिर्फ हमारे पास क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्ट। अब हम बात करते हैं मूवमेंट्स की। तो क्योंकि हमने कहा कि दो तरह के जॉइंट है, रेडियो कार्पल और इंटर कार्पल। अब जो इंटर कार्पल जॉइंट होता है ना इस पे, ये क्योंकि बहुत ही हल्का सा, इस पे सिर्फ ग्लाइडिंग टाइप का जॉइंट होता है तो इस पे सिर्फ हल्की किसी ना ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। अब जो रेडियो कार्पल है ना उस पर हमारे पास मूवमेंट्स हो रहे थे सजाइटल प्लेन के अंदर, फ्रंटल सजाइटल प्लेन के अंदर जो जो मूवमेंट्स आती हैं उसमें होता ही हमारे पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, और फ्रंटल प्लेन के अंदर जो हमारे पास आती है वो आती है अल्नर और रेडियल डेविएशन। इनके साथ साथ एक और मूवमेंट भी यहाँ पे हो रही होती है जिसको कहा जाता है क्या, सरकम डक्शन। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, फ्लेक्शन क्या होता है, मैंने बहुत दफ़ा बताया फ्लेक्शन कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसमें दो जॉइंट्स का एंगल जो होता है वो कम होता है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरी जो है वो रिस्ट न्यूट्रल है, अब मैंने जो इसका, अब ये दो बोन्स था ना एंगल, पहले देखे एंगल ये और ऐसे किया तो एंगल कम हो गया, ये हुई मेरी रिस्ट की फ्लेक्शन। अब जब मैं फ्लेक्शन से वापस न्यूट्रल पोजिशन में जाऊँगी तो ये होगी मेरी रिस्ट की क्या है, एक्सटेंशन। और हाइपर एक्सटेंशन क्या होगी, जब मैं अपनी रिस्ट को मज़ीद जो है वो डोर्सम साइड की तरफ लेके जाऊँगी तो ये होगी हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। जब तो फोरआर्म के फ्रंट साइड पे आएगी तो फ्लेक्शन, अगर दोबारा रिटर्न करके दोबारा अपनी उस पोजीशन में चल जाएगी तो फिर वो होगी एक्सटेंशन, और अगर वो मजीद डोर्सल साइड पे जाएगी तो वो होती है हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट। इसी तरह फ्रंटल प्लेन के अंदर जो मूवमेंट आती है इसमें रेडियल एंड अल्ना, और रेडियल डेविएशन क्या होती है कि जब ये मैं मूवमेंट करूँगा अपनी अल्ना की तरफ को डेविएट करूँगी रिस्ट को,
ठीक है। तो ये होगी अल्नर डेविएशन, और जब मैं ये थंब वाली साइड को करूँगी तो ये होगी मैं रेडियल डेविएशन। ना थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, बिल्कुल हल्की सी होती है, लेकिन अल्नर डेविएशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास अल्नर डेविएशन। और जब हम ये सारी मूवमेंट्स को करते हैं हर प्लेन के अंदर, तो उसको ही हम क्या कह देते हैं, सर्कमडक्शन कह देते हैं। ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो चीज़ें हम जो है थोड़ी बहुत जो है एनाटॉमी में भी पढ़ लेते हैं, जो इसमें आती है वो आती है क्लोज बैक पोजीशन। क्लोज बैक पोजीशन रिस्ट की क्या होती है, रिस्ट की क्लोज बैक पोजीशन होती है, रिस्ट की जो क्लोज बैक पोजीशन होती है वो होती है एक्सटेंशन विद रेडियल डेविएशन, यानी कि हमारी रिस्ट के ऊपर एक्सटेंशन होती है विद रेडियल, यानी कि रेडियस यानी थंब की साइड पे डेविएशन हुई होती है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा जनरल सा स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट्स ऑफ रिस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हैंड, फिर देखेंगे मूवमेंट्स ऑफ हैंड, और एंड देन कलेक्टिवली हम इनकी कॉमन इंजरीज को देख के हमारा बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन अपर एक्सट्रीमिटी जो होगा वो द एंड हो जाएगा।